वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर मैं 2 बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने अप्रैल 16 को एक नया सिनेमा हॉल बनाना शुरू किया है। ठेके की कीमत है 4 लाख। कंपनी वित्तीय वर्ष 30 सितंबर 16 को समाप्त होती है और इसके बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। फिर नीचे करा है कि 30 सितंबर 16 को 1,20,000 कार्य प्रमाणित हुआ है, इसमें से 75% नगद प्राप्त हुआ जो कार्य पूरा हुआ था, लेकिन 10,500 प्रमाणित नहीं हुआ है। साइट पर इतना की सामग्री है और नीचे कहा था कि प्लांट पर 10% प्रतिवर्ष ह्रास है, प्रतिवर्ष है। कुल लाभ प्रकट करने के लिए ठेका खाता बनाए, ये 30 सितंबर 16 तक लाभ का कौन सा भाग लाभ खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल एक नंबर जैसा है, बस थोड़ा सा कंडीशन है प्लांट पर ह्रास का और कुछ नया नहीं है। तो आइए हम लाइन खींचते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं, डेबिट में क्या सब लिखते हैं हम, जो भी आपके पास मटेरियल है, एक्सपेंस है, सबको हम डीआर में लिखते हैं। यहाँ दिया हुआ है मटेरियल है 60,000, तो टू मटेरियल कितना 60,000, वेजेज 42,000, प्लांट 10,000 और प्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंस 3,000, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है 1,20,000, वर्क सर्टिफाइड 1,20,000, वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड 10,500 और ये क्लोजिंग मटेरियल दिया हुआ है साइट पर 5,000 की सामग्री है, क्लोजिंग मटेरियल कितना 5,000। अब यहाँ पर है प्लांट भी तो आपने लगाया हुआ है 10,000 का, तो क्लोजिंग प्लांट भी आपको निकालना होगा, क्लोजिंग प्लांट। तो ये 10,000 का प्लांट है माइनस डेप्रिसिएशन 10% निकालना होगा आपको, लेकिन अप्रैल 16 से 30 सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना होता है, तो ऐसे भी 1 साल का 10% है, 6 महीने का आधा कर देंगे हम 5% ह्रास, ये 500 रुपया डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो ये हो गया प्लांट, क्लोजिंग प्लांट 9,500। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे, जो आएगा वो बाय टू बैलेंस सीडी, या उसी को हम बोलते हैं टू प्रॉफिट बैलेंस सीडी, प्रॉफिट बैलेंस सीडी। तो ये आइए थोड़ा जोड़ने में हमको समय लग सकता है, 1,20,000 है और ये 10, 30, 5, 5, 30, 5, 35, 35, 9, 35 और ये 10, 45, तो ये हो गया कुल जोड़ 1,45,000, 1,45,000 इसे घटा दो 60, 40, 1,10,000 और ये 5, 1,15,000, ये हो जाएगा 30,000। यहाँ लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट बैलेंस बीडी कितना 30,000। ठीक है ना, अब आप इससे पहले पढ़ चुके हैं जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हो चुका है ना, तो लाभ में से कुछ भाग क्या करते हैं पीले अकाउंट में डालते हैं, जो भाग डालते हैं ना उसको बोलते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो नहीं जिसको हम प्रॉफिट नहीं मानते हैं उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, WIP अकाउंट। ठीक है ना, आइए हम निकालते हैं, ये 30,000 का लाभ हुआ है, फॉर्मूला है इसका 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बटे वर्क सर्टिफाइड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1,20,000 जो कार्य प्रमाणित हुआ जिसमें 75% राशि नगद मिली है, तो 1,20,000 का 75% निकालो कितना होता है, 1,00,000, चलिए हम कहीं गुना भाग कर लेते हैं, 1,20,000 का 75%, 25 + 75 = 100, 4 + 12 = 3 + 9 ये हो गया 90,000 बटे वर्क अनसर्टिफाइड, ये है कितना 1,20,000, तो 3 + 90 = 20। ठीक है, और ये 3 3 कट गया, 2 × 4 2 से कितना
ये हो गया कितना, 15,000, 15,000। तो 30,000 में से जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 15,000, और जो बच गया वो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। कितना बच गया, 15,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो के पसंद आने पर आप प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट भी करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है 8787890463111। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।